हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। RFCL में रिक्रूटमेंट आया है HR एंड इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी है, केमिकल का टोटल जो है 10 पोस्ट है, 6 अनरिजर्व और 4 EWS। ऊपर से देखेंगे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए टोटल जो है 6 पोस्ट है, यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज दिया हुआ है। ओके, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के भी यहाँ पे 3 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के भी 2 पोस्ट है यहाँ पे, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी 3 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ के भी 1 पोस्ट है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के भी टोटल 3 पोस्ट है, जो अनरिजर्व का 2 और OBC का 1 पोस्ट है। ओके, तो बाकी इसमें देखते हैं कि क्या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आप PSU HR का, किसी भी PSU HR का या UGC NET लेबर वेलफेयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स को आप ज्वाइन करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिक पे दिया हुआ है 40,000 to 1,40,000, इवन ग्रेड पे स्केल रहेगा। ओके, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी 3 इयर्स के लिए रहेगा, 1,20,000। ओके, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग का पोस्ट पे, उसमें BE, BTEC या BSc इंजीनियरिंग आपको चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए OBC अनरिजर्व EWS के लिए, और SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स चाहिए। वैसे ही आप देखेंगे कि लॉ में 5 ईयर का आपको इंटीग्रेटेड LLB होना चाहिए। ओके, और परसेंटेज जो है वही है 60%। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR में भी आपको MBA होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन HRM, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, डिग्री इन LLB इज डिजायरेबल। अगर इसके साथ आपको LLB का डिग्री हो तो डिजायरेबल होगा, अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए भी परसेंटेज क्राइटेरिया 60% है अनरिजर्व OBC EWS के लिए, और SC ST PWD के लिए 50% क्राइटेरिया है। ओके, और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया है। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप फॉर्म ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। जिनका CGPA जो होगा उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 60% किसको बोलेंगे, 10 पॉइंट्स स्केल 6.5 होना चाहिए। ओके, और 50% 5.4 होना चाहिए, इस तरीके से पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो आप अपना मार्क्स के हिसाब से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये भी दिया है कंप्यूटर लिटरेसी इज डिजायरेबल फॉर ऑल कैंडिडेट। जो भी आप पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ डेट जो है एज क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जो कि कंप्लीट होना चाहिए आपको 29 फरवरी 2024 तक। ओके, और बाकी सारे चीज़ रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी गवर्नमेंट का रिजर्वेशन होता है, एज रिलैक्सेशन, वो सारा चीज़ यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा, जैसे OBC का 3 ईयर, SC ST का एज रिलैक्सेशन 5 ईयर। ओके, गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी 700 है अनरिजर्व OBC EWS के लिए, और SC ST PWD एक सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए आप 14 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और 14 मार्च को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, शाम को 5 बजे। इसके पहले फॉर्म फिल करना है, www.rfcl.co.in इस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो करियर पेज पे जाएंगे, आपका वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, बाकी ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए CBT जो होगा वो जो डिसिप्लिन और एप्टीट्यूड रिलेटेड होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, 150 टोटल क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन जो रहेगा आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, HR से है तो HR के 100 क्वेश्चन आएगा, और 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस। ओके, ये रहेगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं, और एग्जाम कब होगा ये सारा चीज़ आपके एडमिट कार्ड पे जो है मेंशन रहेगा। उसके बाद CVT आप निकालते हैं तो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 1:8 के रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब 8 स्टूडेंट पे किसी एक स्टूडेंट को वो सिलेक्ट किया जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसको 80% वेटेज रखा जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू का 20%, टोटल 100% में आपके इसके मेरिट बनेगा इस हिसाब से। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और फिर से यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट किसका किस कितना है, ओके। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूँ, इसका सेंटर जो रहेगा ऑल ओवर इंडिया रहेगा, जहाँ पे भी है आपका वहाँ पे भी आप जो जो भी चॉइस होगा आप फिल कर सकते हैं, या जो भी आपका लोकल एड्रेस रहेगा वहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, ओके। देखिए तो 29th कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 29 फरवरी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन जो 14th February को स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, और लास्ट डेट जो है 14th March को है, तो ये डेट याद रखिएगा। तो सारा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था मैंने बता दिया है, इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ पे चैट करके चैट में मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.